अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर डॉक्टर मोहम्मद इरफान नासिर। स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो है रोनाल्ड रोस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश की थी, उसकी हमने ऑब्जर्वेशंस देखी थी, फिर हाइपोथेसिस को देखा था और फिर उसे डिडक्शंस बनाई थी। और हमारे पास क्या चीज डिडक्शन क्या आई थी कि भाई जो हमारे पास मॉस्किटोज हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को पर्सन टू पर्सन, और फिर अल्टीमेटली ये बायस बनते हैं किसका? मलेरिया के स्प्रेड का। इसी के बारे में आज एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया जाएगा कि वाकया ही जो मॉस्किटोज हैं ये मलेरिया का बायस बनते हैं। तो देखिये, रोनाल्ड रोस जो है, इट इज ए ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन। ये भाई ब्रिटिश आर्मी एक डॉक्टर था, इसने 1880 के अंदर इसने इंडिया के अंदर ये काम किया। क्या वर्किंग की इसने? सबसे पहले इसने लिया एक जीनस है एनोफिलीज, कि जो मॉस्किटोस हैं इनका एक जीनस है एनोफिलीज, उसने उसकी फीमेल मॉस्किटो को लिया, वो बिल्कुल हेल्दी है, और इसे बाइट करवाया किसके ऊपर? मलेरियल पेशेंट के ऊपर जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब बाइट करवाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उस मॉस्किटो के अंदर क्या चीज आ जानी चाहिए? प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो जाने चाहिए। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया? मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम अल्टीमेटली, जैसे अभी हमने कहा कि उसके अंदर आ जाने चाहिए, इसके अंदर भी प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो गया। फिर इस मॉस्किटो को साइंटिस्ट ने किल किया, मारा इसे, और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो क्या देखता है? He found plasmodium multiplying in the mosquito stomach. इसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई कर रहा है कहां पर? मॉस्किटो के स्टमक के अंदर। तो ये पहली उसे जो थी, उसे मतलब एविडेंस मिला कि जो प्लाज्मोडियम है वो एक पर्सन से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर होता है। अब इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि जब ये बात ठीक हो गई कि जो प्लाज्मोडियम है वो इल पर्सन से, मलेरियल पेशेंट से मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तो दूसरा इसका देखते हैं हम कि दूसरा प्रोसेस इसका क्या था एक्सपेरिमेंट का। नाउ ही यूज इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो कौन सा? जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। ये चाहिए रहा था कि इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को बाइट करवाए किसे? हेल्दी पर्सन पे। और जब ये हेल्दी पर्सन पर बाइट करवाएगा तो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस जो हेल्दी पर्सन है वुड हैव गॉट मलेरिया, इसे मलेरिया हो जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या पेश आई कि इंसानी जान बड़ी कीमती है, तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इंसानों की बजाय ये एक्सपेरिमेंट किसी और पर परफॉर्म किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमंस, इन्होंने इंसानों को यूज करने से गुरेज किया कि इन्हें इस्तेमाल ना किया जाए। फिर इन्होंने क्या किया, दे रीडिजाइन देयर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को रीडिजाइन किया। अब की बार उन्होंने क्या चीज ली, उन्होंने जीनस क्यूलिक्स, जो मॉस्किटो का एक जीनस है, जैसे एनोफिलीज था इसी तरह एक जीनस है क्यूलिक्स, उसकी फीमेल मॉस्किटो ली इन्होंने, इस फीमेल मॉस्किटो जो बिल्कुल हेल्दी है हमारे पास, क्यूलिक्स मॉस्किटो फीमेल इन नेचर और हेल्दी है, इसको बाइट करवाया किसके ऊपर? स्पैरो इल विद मलेरिया, जैसे हमने पीछे देखा बिल्कुल वैसे का वैसा इसने स्पैरो के ऊपर इसे बाइट करवाया जो मलेरियल पेशेंट है। अब जब इसे बाइट करवाया तो हमारे पास क्या चीज हासिल होती है, बाइट करवाने के बाद बिल्कुल इसी तरह इसने मॉस्किटो को किल किया, यहां पर भी इसने किल किया, ही किल मॉस्किटोस एंड ऑब्जर्व प्लाज्मोडियम वाज मल्टीप्लाइंग इन द स्टमक वॉल। और इसने देखा कि बिल्कुल जैसे इंसानों पे एक्सपेरिमेंट किया गया था इसी तरह जो स्पैरोस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट भी सेम आ रहे हैं, यहां पर भी प्लाज्मोडियम जो था वो कहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है? स्टमक वाल के अंदर। फिर इसने क्या किया और इसने क्या चीज ऑब्जर्व की, इसने देखा कि यहां पर मल्टीप्लाई होने के बाद स्टमक वाल के अंदर जो प्लाज्मोडियम है इट मूव टू द सलाइवरी ग्लैंड, ये मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड कहां पर मौजूद होते हैं? माउथ के पास, और माउथ जो है ऑटोमेटिकली जब
बाइट करेगा माउथ के थ्रू, तो यही प्लाज्मोडियम अगले पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो इसने देखा कि प्लाज्मोडियम स्टमक वाल के अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद कहां चले जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। फिर ही बाइट द हेल्दी स्पैरो, इसी मॉस्किटो के साथ, इनमें से कुछ उसने बचा लिए थे मॉस्किटो, इन्हीं मॉस्किटोस को उसने बाइट करवाया किसके ऊपर, हेल्दी स्पैरोस के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली क्या रिजल्ट आना चाहिए, आफ्टर सम डेज ही फाउंड प्लाज्मोडियम इन द स्पैरोस ब्लड। उसने देखा कि भाई जिन हेल्दी स्पैरोस को बाइट करवाया गया था मलेरियल मॉस्किटो के साथ, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। तो ये इस बात का सबूत था कि बेसिकली मॉस्किटो जो है ये ट्रांसमिशन का बायस बनते हैं किसकी, हमारे पास प्लाज्मोडियम की, और प्लाज्मोडियम ही ऑटोमेटिकली कॉज है किस चीज का, मलेरिया का। तो ये किसके ऊपर, हमारे पास स्पैरोस तीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका रिजल्ट जैसा कि हाइपोथेसिस, जैसा कि डिडक्शन बनाई गई थी उसके मुताबिक ही था। अब इसको और कंफर्म करने के लिए इसी एक्सपेरिमेंट को इंसानों के ऊपर अप्लाई किया गया। कैसे, अब की बार इटालियन बायोलॉजिस्ट ये सामने आए और इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमंस, इन्होंने ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। कैसे किया, जैसा ये प्रोसीजर था बिल्कुल वैसा ही वही प्रोसीजर होगा। इन्होंने जीनस कौन सा लिया, एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो स्टूडेंट एक बात यहां पर बड़ी जरूरी है कि एमसीक्यूज भी आ जाता है कि जो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए उन मॉस्किटोज का जीनस कौन सा था, वो कौन सा था, एनोफ्लीज। जबकि वो मॉस्किटोज जो स्पैरोस के ऊपर इस्तेमाल किए गए उनका जीनस कौन सा था, क्यूलेक्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये दो, ये बार बार बोर्ड में आ जाते हैं, इनको अच्छे तरीके से रिव्यू करने हैं। क्या किया इन्होंने, एनोफ्लीज मॉस्किटो जो हेल्दी मॉस्किटो था, कौन था, हेल्दी मॉस्किटो, इसको बाइट करवाया किसके ऊपर, मलेरियल पेशेंट के ऊपर जिसके अंदर प्लाज्मोडियम। तो ऑटोमेटिकली सेम रिजल्ट हमारे पास आएगा, मॉस्किटो केप्ट अलाइव फॉर फ्यू डेज। इसको बाइट करवाने के बाद ऑटोमेटिकली हमें पता है कि प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो गया होगा इन मॉस्किटोज के अंदर, इन मॉस्किटोज को कुछ दिनों के लिए अलाइव जिंदा रखा गया। फिर क्या किया गया, फिर कुछ दिनों के बाद दे अलाउ टू बाइट द हेल्दी पर्संस, फिर इन्हें बाइट करवाया गया हेल्दी पर्संस के अंदर। तो ऑटोमेटिकली अब ये वो मॉस्किटो हैं जिनके अंदर क्या चीज मौजूद है, प्लाज्मोडियम। तो जब हेल्दी पर्सन के ऊपर बाइट करेंगे तो प्लाज्मोडियम को हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो क्या हुआ, बिकम इल विद मलेरिया, ये जो पर्सन थे हमारे पास जिनको बाइट करवाया गया, They become ill with malaria. ये मलेरिया के साथ ill हो गए, मतलब इन्हें मलेरिया की डिजीज लग गई। तो फिर क्या चीज साबित हुई, ये बात साबित हो गई, confirmed that mosquitoes transmit plasmodium. ये जो mosquitoes हैं, ये ही क्या करते हैं, transmit करते हैं plasmodium को person to person, organism to organism, and spread malaria. और इसी तरह ये किस चीज का बायस बनते हैं, मलेरिया का बायस बनते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर टू, जिसे साइंटिस्ट ने प्रूव किया, जो किस बारे में था कि किस तरह जो है मॉस्किटोज जो है ये ट्रांसमिट करते हैं मलेरिया को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। तो ये था हमारे पास आज का पूरा एक्सपेरिमेंट जो रोनाल्ड रोस ने किया और कुछ इटालियन जो बायोलॉजिस्ट ने उन्होंने परफॉर्म किया। थैंक यू वेरी मच।